तो हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द वूम रिग्रेशन, ड्यूरिंग द वूम प्रेगनेंसी हम कितना कुछ झेलते हैं, कितने मूड स्विंग्स होते हैं 9 महीनों में एक फीमेल के, और एक फादर के उतना ही एक्टिव पार्ट होता है फादर का, क्योंकि उसके भी जीन्स, उसके भी पार्ट्स, उसका भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि एक तो एक्टिवली तो वो पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इनएक्टिवली वो हमेशा अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, और कुछ हस्बैंड्स नहीं भी सपोर्ट करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ लोग लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, राइट? सो उस मूवमेंट के लिए अगर हम वापस आज उस रिग्रेशन में जाएंगे, उन चीजों में जाएंगे, उस मेडिटेशन को हम करेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि कहाँ कहाँ हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, और कौन सी चीजें हमने रिपीट की हैं जो हम कंटिन्यूसली चलती जा रही हैं, कौन से पैटर्न्स हमारे बच्चों में चले गए हैं, फादर के, मदर के, या मदर के हमने लिए हैं मदर फादर के, तो उस साइकिल को आज हम समझेंगे इस पूरे प्रोसेस में। इसलिए हम पहला वाला मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम दूसरे वूम में जाएंगे, तो वो जो रिग्रेशन रहेगा वो एक तरह से वूम रिग्रेशन टाइप सी होगा। वूम कार्मिक साइकिल जो है वो काफी प्रोसेस उसका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे इस बारे में। तो यही है कि आज हम डायरेक्टली उस चीज में जाएंगे कि हम अपनी मदर के वूम में हमने 9 महीने कैसे जिए, फिर हमारे वूम में जब हमने अपने किड्स को बर्थ दिया, इधर अबॉर्शंस भी की, और इधर हमारे जो मेल मेंबर्स हैं वो उनके उनका टाइम पीरियड कैसा रहा अपनी मदर के वूम में, उनके क्या रिलेशंस थे, कौन से पैटर्न्स उन्होंने अपने मदर के वूम से कैरी किए, और कौन सा समय उन्होंने अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं किया, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके बच्चों में आई हैं। तो मेल एंड फीमेल्स जहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपने ऊपर इसी तरह से ऑब्जर्व करना है स्वयं को। तो आज भी हम जैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं पिछले लास्ट 2 एपिसोड से, लास्ट 2 चीजों से, लास्ट 2 सेशन से, कि हम अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज को, सेल्फ रियलाइज करते हैं, उसके बाद हम रिलीज करते हैं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं, कॉर्ड्स को कट करने से पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो पैटर्न हमने ग्रैप किया है वो कैसे किया है, और कहाँ से कैरी हो रहा है ये, क्या मेरे पेरेंट्स से आ रहा है, या मेरे इन-लॉ से आ रहा है ये पैटर्न, मेरा खुद का बनाया गया है, मेरे अनकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न। सो हम उस कार्मिक साइकिल से अपने आप को भी फ्री करेंगे और अपने बच्चों को भी फ्री करेंगे, ताकि उनकी सोल्स, ताकि उनकी जो सोल्स है वो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि हमारी सोल इंडिपेंडेंट नहीं थी, अब हम उसको इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं इतने टाइम में, इतनी एज में आके हम अपनी सोल्स को अब इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको अब अपने बच्चों की सोल्स को अभी से इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो फ्री होंगे हमसे तो आगे की जनरेशन फ्री होगी, सो दे'ल बी फॉलो देयर सोल जर्नी। हम जब तक उनको अपने साथ टाए रखेंगे ना वो अपनी सोल जर्नी पे जा पाएंगे, और ना ही हम अपने आप को पूरी तरह से सोल जर्नी पे लेके जा पाएंगे। हमको भी फ्री होना है और उनको भी फ्री करना है। सो हम लोग शुरू करते हैं सेशन को, मेडिटेशन को। सो आप लोग इस मेडिटेशन में लेट भी सकते हैं कंफर्टेबल होके, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग रहेगा, तो जो लोग का बैक पेन या थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, तो वो आराम से लेट करके कर सकते हैं। अपने हेडफोन्स डाल लीजिए या फोन को स्पीकर में डाल के यूज कर लीजिए, आराम से रेस्ट पोजीशन में कंफर्टेबल होकर लेट जाइए। इधर आप लोग बैठ भी सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो हम 1 मिनट लेते हैं सेटल होने में। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, वृंदावन रिट्रीट आ रही है, तो जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज एनरोल कर लीजिए जल्द से जल्दी, कुछ ही सीट्स बाकी हैं, 19 मई से 23 मई को, राइट? सो लेट्स बिगिन। सभी जन आंखें बंद कर लीजिए।
ध्यान सांसों पर। ध्यान सांसों पर ही रहेगा। बहुत रिलैक्स हो जाइए। टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, 10 से 15 डीप ब्रेथ्स लीजिए स्वयं काउंट करके। काउंट योरसेल्फ। Separate yourself from your mind. Separate yourself from your body. Connect with your soul. Focus on your heart center. Take few breaths through your heart center as you're connected with your soul. Connect with your higher self. Invoke your parents, ancestors,
siblings. Invoke your god, goddesses. Ma Kali. Sai. Lord Shiva. Connect yourself with Ma Kali. Invoke five elements. Invoke the time. Invoke the planets. बहुत ही सहजता से समय लेकर सबके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. इन सब का आपके जीवन में एक रोल है. Invoke Reiki, Karuna Reiki. Invoke the white light. Pure white light. Feel the light around you. अपने चारों ओर इस ऊर्जा को महसूस कीजिए. अपने देवी देवताओं की प्रेजेंस में प्रेजेंस को फील कीजिए. अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस को फील कीजिए. अब चारों ओर से प्रोटेक्शन में है. स्वयं को अब अपने आप को उस समय में ट्रैवल करवा रहे हैं. जिस समय आप अपने मदर के वूम में थे
रोशनी, आपको आपके मदर के वूम में लेकर जा रही है। इस समय में केवल आपको अपनी कॉर्ड्स को मां काली को देना है। अपने भीतर जो भी चीजें आपने कैरी की हैं अपनी मदर के वूम से, वो सब मां काली को अर्पण करना है। दिस व्हाइट लाइट इज टेकिंग यू ऑन द काउंट ऑफ 5 to 1 टू योर मदर्स वूम। 5, 4, 3, 2, and 1. You are in your mother's womb. Just feel it. It's okay if you're not visualizing it. That's totally fine. Go with the flow. माँ काली आपके साथ हैं, आप अपने मदर के वूम में हैं। एज अ सीड आपके मदर के जो भी विचार हैं, जो आपके भीतर ग्रैब हो रहे हैं, आज अपने आप को वो सारी कॉर्ड से फ्री कीजिए। उस मोह के बंधन से स्वयं को काटिए जो पहली बार मां महसूस करती है बच्चे को कैरी करने के लिए। कट द कॉर्ड। हे यू आर जस्ट कटिंग द कॉर्ड्स एंड गिविंग टू मां काली। बी ओपन टू गिव। कट cut cut healers healing symbols डालिए और इस मोह के बंधन को सबसे पहले कट कर दीजिए। अटैचमेंट कॉर्ड को कट कीजिए। कट द कॉर्ड ऑफ फियर। जो भी डर अपने माँ बाप से कैरी किया है उसे कट कीजिए। अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को कि किस तरह से ये अटैचमेंट डर में ट्रांसफॉर्म हुई है। वो इंटेंशन जो आपकी मॉम डैड ने
पहली बार आपके लिए डाला उम्मीद का इंटेंशन, वो क्या उम्मीद थी आपसे, आज उसको समझकर उस कॉर्ड को कट कीजिए। आपको लाने का क्या पर्पस था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग मदर फादर और कोई एक्सपेक्टेशन का कॉर्ड। It's just a sexual desire. Just cut all the cords. एक एक करके सारी तारे जैसे आपसे चिपटी हुई हैं, आज उन वायर्स को रिलीज कीजिए। ईगो का वायर, टू शो टू एवरीवन दैट आई आल्सो बिकेम अ मदर, ऐसा कुछ प्रूफ करना किसी को। वो पूरी कॉर्ड को कट कीजिए। धीरे धीरे आप की उम्र बढ़ती जा रही है अपने मदर के वूम में, आपके मंथ्स ग्रो हो रहे हैं, सेकंड थर्ड, साथ साथ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती जा रही है। हमारा बच्चा इस तरह से होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, इतनी पढ़ाई करानी चाहिए, इतना एजुकेशन, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मेरी बात सुनना चाहिए, मदर पे जाना चाहिए, फादर पे जाना चाहिए। ये सारी कॉर्ड्स को कट कीजिए। साथ साथ इसे रियलाइज करते जाइए, अंडरस्टैंड करते जाइए कि वाकई में ही ये हुआ होगा, क्योंकि जब हम माँ बने तो हमने भी यही किया। उस पूरे पैटर्न को अपने मदर के वूम से ही कट कीजिए। मेरी उम्मीद मेरा बच्चा है, हर एक महीने में एक नई एक्सपेक्टेशन हम अपने बच्चे से मनाते आए, उसको बोझ थले दबा दिया, आज उन्हें फ्री कीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए। अब सेवेंथ मंथ में आ चुके हैं, जहां आपका और आपके बच्चे का रिलेशन और भी स्ट्रांग हो गया है। अब वो आपकी पूरी बातें सुन सकता है, जितने झगड़े आपके मदर फादर के हुए, जितनी नेगेटिविटी, जितना एंगर, ग्रज, गिल्ट, गुस्सा,
मूड स्विंग्स, उन सब की कॉर्ड्स को कट कीजिए। ये सब हमने कैरी किया है फ्रस्ट्रेशन, अटेंशन ना मिलना फैमिली से, कट दिस कॉर्ड। आपका बच्चा आप सब सुन सकता है, मेक हिम फ्री, मेक योर सेल्फ फ्री, मेक योर मदर और फादर फ्री। बहुत सारे डिवाइन सिंबल्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड दीज योरसेल्फ कंप्लीटली। आप 9th मंथ में आ चुके हैं, डिलीवरी का समय आ चुका है, इस वक्त आपकी मदर की सिर्फ एक ही इंटेंशन है, आपकी फादर की एक ही इंटेंशन है, माई चाइल्ड इज इन फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, माई चाइल्ड इज कंप्लीटली फ्री। I am just the tool to carry her or him. मैं केवल माध्यम हूं अपने बच्चे को कैरी करने के लिए। ये सृष्टि का बच्चा है, ब्रह्मांड का बच्चा है। I hand over to Mother Earth. And your mother is giving you to Mother Earth. सभी पंच तत्व आपको अपनी बाहों में ले रहे हैं और आपको पूरी तरह से फ्री कर दिया है। नाउ इट्स योर टर्न to bless your parents, to thank them for carrying you, for bringing you to this universe. Now on the count of 5 to 1, you will be in that time that you are carrying the baby, you are becoming the mother.
of your kids. The process will go on. इस इंटेंशन से आपका एक बच्चा है या दो है या तीन है और आप अबॉर्शन के प्रोसेस से गुजरे हैं. आज आपको अपने आप को पूरी तरह से फ्री करना है और अपने बच्चों को फ्री करके ब्रह्मांड को सौंपना है. फाइव फोर थ्री टू वन एंड जीरो. Now you are in that time where you are carrying the baby. If it's abortion, miscarriage, seek forgiveness and give it to Mother Earth. Jaane anjaane mein kuch bhi hua hai तो उसकी माफी मांगते हुए अपने भीतर से उसके सारे अंशों को, सारी बातों को, सारे गिल्ट को, सारे ग्रज को निकालते हुए मदर अर्थ को दे दीजिए. एंड इफ यू आर कैरिंग अ वूम, यू आर कैरिंग अ बेबी, वेलकम दैट बेबी इन योर वूम. Are giving lots of blessings with your open heart, no matter whatever happened at the end, at that time. You're making that time repeat. And you're witnessing the soul. Now you are in complete awareness. आप पूरी तरह से awareness में हैं. वो child आपके womb में है. उसका welcome कीजिए. उसको thank you कीजिए. वो आपकी life का karmic clear करने के लिए आया है आपकी जिंदगी में. आपको फ्री करने के लिए आया है सो दैट आपको नेक्स्ट बर्थ नहीं लेना पड़े स्पेशली उसके लिए. सबसे पहले उसका धन्यवाद कीजिए. उस सीड को नर्चर कीजिए. आपके भीतर का वो कंपैशन से माँ दुर्गा का, माँ शक्ति का कंपैशन, माँ धरती का कंपैशन, वो कंपैशन एक्टिव हो चुका है. एज यू आर ऑलरेडी प्योर फ्री अब पहले महीने में आपने अगर भी कोई भी ऐसा थॉट क्रिएट किया था अपने बच्चे के लिए जो उसके लिए अच्छा नहीं है, कि अभी नहीं होना चाहिए था, थोड़ा टाइम और रुक जाते या जल्दी हो गया, लेट हो गया, कुछ भी ऐसा थॉट क्रिएट किया है, तो आज उस थॉट को रिलीज कीजिए. समझिए उस थॉट को कि उस नन्हे से बच्चे पर क्या असर हुआ, आपके और आपके हस्बैंड का कोई भी इशू
उस बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट ला रहा है। आई चूज टू रिलीज एंड आई कट द कॉर्ड्स फ्रॉम माई चाइल्ड। वो सारे थॉट्स की कॉर्ड को मैं कट करती हूँ। Family pressure, you accept everyone by your heart now. कुछ भी अगर उस समय घटित हुआ था, उस compassion के साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्ट कीजिए। आपको अच्छी डाइट नहीं दी गई, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट नहीं किया, सबको फॉरगिव कीजिए और उस फ्रस्ट्रेशन के कॉर्ड को कट कीजिए। फैमिली प्रेशर के, हस्बैंड के, बी इन योर ओरिजिनल प्योर सोल सेंस। उस समय की लो कॉन्शियसनेस ने आपसे जो जो करवाया है उनकी कॉर्ड्स को कट करते जाइए। सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, सेक्सुअल अब्यूज, पेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो तीसरे चौथे महीने में आपने बहुत ज्यादा फील किया, वॉमिटिंग्स, जो भी आपकी वाइफ ने, जो मेल्स हैं यहाँ, आपकी वाइफ ने सफर किया, वो लोनलीनेस, उनको ब्लेस कीजिए, उनके वूम को ब्लेस कीजिए। धीरे धीरे फोर्थ फिफ्थ मंथ में आ रहे हैं आप। आपके बच्चों के चक्रास बन रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कीजिए बाय सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव and cut all the cords of expectation, attachment, fear, judgment, jealousy,
डोमिनेशन, इरिटेशन, अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे उसने आपसे कैरी किया, स्टोरीज में नहीं जाना है, जस्ट अंडरस्टैंड इट एंड कट द कॉर्ड्स। वो डर कि कहीं मेरे हस्बैंड की ये चीज कैरी ना कर ले, वो डर कि कहीं उसके ग्रैंड पेरेंट्स का ये पार्ट उनके अंदर ना आ जाए, कहीं वो मुझे पूछे नहीं। अगर ये ज्यादा पढ़ाई नहीं किया तो इसे तो मैं यही बनाऊंगी, ये बड़ा होके यही बनेगा या बनेगी। कट ऑल द कॉर्ड्स, अपने सभी बच्चों के अंदर से वो कॉर्ड्स काटते जाइए। And bless them. इनसिक्योर होना अपने बच्चे के लिए, उस इनसिक्योरिटी को कट कीजिए, केवल उसका ध्यान मुझे ही रखना आता है, मुझे ही पता है मेरे बच्चे को मुझे कैसे फीड करना है, कैसे ध्यान रखना है, मेरे इन लॉस को नहीं आता। ये सब थॉट्स, नफरत कट कीजिए। माँ काली इज देयर टू हेल्प यू। Free yourself from all the web of your own thoughts. अपने खुद के जाए बिछाल। खुद के वेब को स्वयं काटिए, जो थॉट्स का वेब है, जो क्रिएट किया गया Put this intention, I make you free completely from the day you came in my womb, from the day I delivered you, mere husband ke family ke sare pressure, sare web ko aaj main kaatti hu, tumko hamesha ke liye free karti hu। धीरे धीरे आप 7वें महीने में आ चुके हैं, आपका फिजिकल पेन जो आपने सहा उस समय में, आपका वेट बढ़ने के साथ साथ उस पूरे पेन को रिलीज कीजिए, कट कीजिए। जिसमें आपने अपने बच्चे को भी दोष दिया जाने अनजाने में, धरती मां तो जाने कितने बच्चों का बोझ इस तरह से सहती है, कितने वूम्स हैं धरती पर, हम सब उनके बच्चे हैं,
वो कैसे कंपैशनेटली फ्रीली हमें प्यार करती जा रही है। आज वही कंपैशन हमारे अंदर है और हम स्वयं को फ्री कर रहे हैं और अपने बच्चों को फ्री कर रहे हैं। धीरे धीरे आठवें नौवें महीने में आप पहुंचे हैं। Cut all the cords. किसी की भी गलती थी, this has to happen. जो भी आपने इस पूरे टाइम पीरियड में फेस किया, this had to happen. ये होना ही था। Accept it with compassion. धरती माँ पर हम कितना जुल्म करते हैं, कितने पेड़ काटते हैं, कितना हर्ट करते हैं धरती माँ को। अगर इन 9 महीनों में हमने थोड़ा हर्ट ले भी लिया, थोड़ा पेन ले भी लिया, तो क्या हुआ? हमने एक यूनिवर्स के लिए और अपने आप को फ्री करने के लिए माध्यम बने। सारे पैटर्न से फ्री कीजिए स्वयं को और अपने बच्चों को। कट कट कट। इट्स टाइम टू डिलीवर योर चाइल्ड नाउ। आप पूरी तरह से समझ चुके हैं इस जर्नी को। नाउ गिव इट टू मदर अर्थ। थ्री टू वन एंड जीरो। Give it to Mother Earth. Your baby is free now. आपके सभी बच्चे सुरक्षित हैं, धरती माँ के पास है। वो स्वयं यूनिवर्सल गाइडेड है। Bless them. आपका हृदय पूरी तरह से मदर अर्थ के जैसे खुल चुका है। Your blessing, your child and mother earth and all the 5 elements. सभी 5 elements को bless कीजिए। आपके दोनों हाथों में से ऊर्जा निकलती हुई सभी एलिमेंट्स में जा रही है। आपका केवल यही फर्ज है अपने बच्चों के प्रति, उनको जो एयर मिल रही है, जो सांस मिल रही है, उसे ब्लेस कीजिए। उनको जो पानी मिल रहा है उसको ब्लेस कीजिए। जिस माँ ने उन्हें सींचा है, धरती माँ जो उन्हें खाना दे रही है, उसे ब्लेस कीजिए। उस अग्नि को ब्लेस कीजिए जो उनको काम आती है पाचन शक्ति में। आकाश को, स्पेस एलिमेंट को ब्लेस कीजिए जो उनको हमेशा गाइड करते हैं यूनिवर्स फादर बनके। आपका केवल यही रोल है।
All are free now. All are free now. अब धीरे धीरे सभी का धन्यवाद कीजिए, सभी एलिमेंट्स का, प्लैनेट्स का, उन सभी नक्षत्रों का धन्यवाद कीजिए जो हमारे बच्चों में है, वो सब उनकी लर्निंग और उनकी ग्रोथ के लिए है, कोई दोषा नहीं है, केवल ब्लेसिंग्स हैं, और हम भी एक ब्लेसिंग हैं इस ब्रह्मांड के लिए। ब्लेस कीजिए पूरे ब्रह्मांड को, धन्यवाद कीजिए स्वयं के शरीर को जो सामने है आपके, आपके मन को धन्यवाद दीजिए जिसे आपने सेपरेट किया था स्वयं से, आपकी बॉडी को धन्यवाद कीजिए जिसने आप के बच्चे को कैरी किया इतनी पेन्स लेने के बाद भी, और अब आपके भीतर की पेन्स को वो लेता है। धन्यवाद कीजिए अपने शरीर का, अपने मन का, जिसमें जिसको आपने कूड़ा बना रखा था इतने थॉट्स रखकर, आज पूरी तरह से खाली हो गया है। अपने माँ बाप का धन्यवाद कीजिए इस पूरे कार्मिक साइकिल का धन्यवाद कीजिए। आज इस पूरे कार्मिक साइकिल से स्वयं को फ्री करते हुए अपने बच्चों को फ्री करते हुए उस सारे पैटर्न को एक बार फिर से माँ काली हम आपको सौंपते हैं। ये हमारे बच्चे नहीं, हम सब आपके बच्चे हैं। ब्रह्मांड हम सब आपके बच्चे, वी सरेंडर टू यू कंप्लीटली होली। वी आर ओनली हेयर टू ब्लेस एवरीवन। And everything. अपने गुरुओं को धन्यवाद दीजिए जो पथ पथ पर आपका साथ दिए, अपनी सोल को धन्यवाद दीजिए हायर सेल्फ को धन्यवाद दीजिए अपने वूम को धन्यवाद दीजिए महाकाली को धन्यवाद, लॉर्ड शिवा को धन्यवाद जो स्वयं
आज महाकाली, आपके सारे पैटर्न्स के लिए आई, उनको तोड़ने के लिए आई। आपको स्वयं का शिवा बनाया, धन्यवाद। आपको वो शक्ति दी लॉर्ड शिवा ने कि आप स्वयं के शिवा बन सके। वो शक्ति माँ काली है, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you. And we seek forgiveness from everyone, from the whole universe. कभी भी जाने अनजाने में अभी भी कुछ गलती रह गई है तो उसकी क्षमा हम सब मिलके मांगते हैं। I am sorry. We are sorry. Please forgive us. We love you and we thank you. बहुत सारे डिवाइन सिंबल्स हमारे अराउंड हैं, हमें चारों ओर से घेरे हैं। व्हाइट लाइट हमें चारों ओर से घेरी, उसका धन्यवाद हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, सभी का धन्यवाद, इस पूरे प्रोसेस का धन्यवाद, उदय सर का धन्यवाद, पूरी एसकेएम टीम का धन्यवाद। एक लंबी और गहरी सांस के साथ ऑन द काउंट ऑफ 1 to 5 स्लोली कम बैक इन योर कॉन्शियसनेस। 1, 2, move your hands, move your feet. 3, focus on your breath. 4, move your body. 5, and come back. You are in your body consciousness. You are aligned with your body, mind, and soul. Completely in present moment. हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर लगाइए।